हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूँ और साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन की फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेलाइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे गाइज आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो कि वैकेंसी आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से यहाँ पर कितनी वैकेंसी है और किस किस पोस्ट में वैकेंसी है मैं सब कुछ बताऊंगा सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें गाइस दिस इज द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है हम हम इस टाइम पर उस पर हैं जब आप इसपे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन दैट इज दिस साइड रिक्रूटमेंट वाले जब आप इस वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होकर आती है वेबसाइट और जब आप इस पे

पीडब्ल्यू बी डी के अंदर इसके अंदर जो है वन यू आर की है वैकेंसी डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के अंदर अंदरमेंटल uh, स्टडीज के अंदर एक ईडब्लू एस कैटेगरी की है इसके अलावा गाइस मैं आपको बता दूं कौन कौन से में सब्जेक्ट लाइक डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी में एक सिंगल वैकेंसी है एस टी कैटेगरी की और एक है आपकी ओबीसी कैटेगरी की नहीं एस टी कैटेगरी है ये इसके बाद आप इस, तो इसको ना खुद से भी गो थ्रू कर लेना अगर आप अप्लाई करना चाहते हो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा डिपार्टमेंट ऑफ योगा के अंदर एक ओबीसी की है डिपार्टमेंट ऑफ सोशियलॉजी में एक एस कैटेगरी है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में वैकेंसी है स्कूल ऑफ एजुकेशन बी एड एम एड वाले डिपार्टमेंट में काफी सारी वैकेंसी है पर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में एक दो तीन चार दो छह सात सात वैकेंसी करना चाहते हो इंटरेस्टेड हो तो इस पी को खुद से गो थ्रू कर लेना अप्लाई करने से पहले अब यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैं इसके बाद बता देता हूँ यहां पर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है दैट इज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ इन हायर एजुकेशन नेट थाउंड होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट होने परसेंट और यूजीसी वो क्वालिफाई होना चाहिए दो रहते हैं, अभी फिलहाल है रहे हैं आपके 2023 के बाद से पीएचडी जो है वो कंपलसरी हो जाएगी तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सेवंथ ऑफ जनवरी लास्ट डेट है दिस इज द अपलाइंग फीस हजार आपको देने पड़ेंगे अप्लाई करने के लिए अनरिजर्व कैटेगरी को और एस सी एस कैटेगरी और एंड वीमेन के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है नो एप्लीकेशन फी फॉर कैटेगरी एंड एंड ऑल पीपल, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ट्राई कीजिए केवल इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है और फीस भी नहीं है कुछ कैटेगरी के लिए कुछ कैटेगरी के लिए फीस है तो आप अप्लाई करके आप ट्राई कीजिए अगर हो जाता है तो अच्छी बात है अदरवाइज आपको एक्सपीरियंस मिलेगा तो काफी अच्छा मौका है आप डेफिनेटली इस चीज के लिए ट्राई कर सकते हैं गाइज और आपको डाउट है कुछ पूछना है तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ लेना मैं वहां पे रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा सो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर थैंक यू सो मच